नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इतिहास विषय की टेस्ट सीरीज चल रही है। जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं यूपी से कर रहे हों या फिर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर तैयारी कर रहे हों, उनके लिए यह टेस्ट सीरीज चल रही है। तो यह टेस्ट सीरीज संख्या 2 है मित्रों। एक बात और आप लोगों से कहूंगा कि टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, असिस्टेंट प्रोफेसर प्रिपरेशन नाम से टेलीग्राम बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और यह टेस्ट सीरीज संख्या 2 है और यह जो है सिर्फ और सिर्फ इतिहास विषय की टेस्ट सीरीज है। और यह आप लोग देख सकते हैं यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 कंप्लीट कोर्स है, 999 रुपये का। जो लोग परचेज करना चाहें परचेज कर सकते हैं। आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया गया है, आप लोग बिल्कुल मैसेज कर लीजिएगा जो भी लोग यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री जिनका सब्जेक्ट है 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है, आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आइए टेस्ट सीरीज संख्या 2 यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री टेस्ट सीरीज, मतलब हिस्ट्री सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज है। एक बात और आप लोगों से बता दूं, पीसीएस पाठशाला जो भी आपको उपलब्ध करा रहा है बेहतरीन उपलब्ध करा रहा है, ध्यान में रखिएगा। ऐसा मटेरियल आपको कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, ध्यान में रखिएगा आप लोग। और अगर पीसीएस पाठशाला को परीक्षा होने तक अगर आपने फॉलो किया हुआ है, 100% फॉलो किया हुआ है, तो 100% बेहतर परिणाम आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इतिहास विषय से जो भी लोग तैयारी कर रहे हों, चाहे यूपी में कर रहे हों या एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर तैयारी कर रहे हों, आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। यह प्राचीन इतिहास से संबंधित सीरीज है। देखिए, यह प्राचीन इतिहास जो है, ये जो है एमपी में क्या होता है, इसमें प्राचीन इतिहास भी इंक्लूड रहता है, ठीक है। तो यह एमपी के लिए चल रहा है, ठीक है। जब यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर चलेगा तो उसमें यूपी से संबंधित आप लोग को जानकारी दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रश्न 11 है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो किस वस्तु के उत्पादन में हड़प्पावासी सर्वप्रथम थे, ठीक है। तो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे हड़प्पावासी? मुद्राएं, कांसे के औजार या कपास या फिर जौ? तो हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास, विकल्प सी जो है वो आपका सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या ही इस टेस्ट सीरीज की जान है मित्रों, ध्यान में रखिएगा। कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पावासी द्वारा शुरू किया गया था, हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, ठीक है, यह चीज ध्यान रखिएगा। प्रश्न 12 देखिएगा, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? क्या जॉन मार्शल थे, राखलदास बनर्जी थे, ए कनिंघम थे या दयाराम साहनी? तो आप लोग जानते हैं दयाराम साहनी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किया था। व्याख्या देखिएगा, मैंने फिर कहा है आप लोगों से, इस व्याख्या ही एक्सप्लेनेशन ही इस टेस्ट सीरीज की जान है, ध्यान रखिएगा। यह एक्सप्लेनेशन पीसीएस पाठशाला जो आप लोग को उपलब्ध करा रहा है, यह आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1921 में दयाराम साहनी ने और माधव स्वरूप वत्स ने किया था, ठीक है, दो लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रथम स्थल हड़प्पा है, हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहली खोजे जाने वाली जो स्थल है वह हड़प्पा है, इसीलिए सभ्यता को क्या कहा गया है, हड़प्पा सभ्यता कहा गया है, जो मॉन्टगोमरी जिला के पंजाब राज्य में स्थित है, पंजाब राज्य में अवस्थित है। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य शुरू हुआ था और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका दो लोग की थी, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। प्रश्न 13 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है, मतलब बंदरगाह नगर? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर है, बंदरगाह शहर है, वह कौन सा है? लोथल, विकल्प बी जो है वो आपका सही है, लोथल में ही बंदरगाह पाया गया है। तो देखिए लोथल हड़प्पा सभ्यता पत्तन बंदरगाह है, मतलब हड़प्पा सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? लोथल, जहां पर बंदरगाह पाया गया है। अब यह बंदरगाह का क्षेत्रफल क्या है? तो 214 मीटर लंबा यह बंदरगाह था, 36 मीटर चौड़ा था यह बंदरगाह और 3.3 मीटर क्या था, गहरा था, यह बंदरगाह का क्षेत्रफल था, ध्यान रखिएगा। 214 मीटर लंबा, 36 मीटर चौड़ा और 3.3 मीटर गहरा था,
देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह कहाँ से मिला है? लोथल से। लेकिन दो और भी जगह हैं जहाँ से बंदरगाह मिले हैं, एक देसलपुर से और एक सुरकोटदा से। यहाँ से भी बंदरगाह के साथ से मिले हैं, देसलपुर और सुरकोटदा। मोहनजोदड़ो भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर है। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वह है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ी स्थली है और सबसे ज्यादा जनसंख्या में था। सबसे ज्यादा जनसंख्या किस नगर की थी सिंधु घाटी सभ्यता में? वह थी मोहनजोदड़ो, और सबसे बड़ा क्षेत्रफल भी मोहनजोदड़ो का था। ठीक है, हालांकि देखिए अभी तत्काल में जो कुछ रिसर्च हुए हैं तो उसमें धौलावीरा को सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल माना गया है। तो यह चीज़ें हमेशा 2 साल 4 साल 5 साल में बदलता रहता है। ठीक है, इसमें मोहनजोदड़ो लिखा है लेकिन अब आप लोग अपडेट हो जाइए कि धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एक सबसे बड़ा स्थल है, उससे पहले राखीगढ़ी भी था। ठीक है, और यह तो 10-15 साल पहले का यह रिसर्च है कि मोहनजोदड़ो 10-12 साल पहले तक क्या था, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का। प्रश्न 14 देखिएगा, पैमानों की खोज ने सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, यह खोज कहां पर हुई थी? मतलब पैमानों की खोज ने सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे, माप और तौल से परिचित थे, मतलब वस्तुओं को मापते थे तौलते थे, यह खोज कहां पर हुई? मतलब पैमाना कहां से मिला है, कालीबंगा से मिला है या हड़प्पा से मिला है, चनहोदड़ो से मिला है या लोथल से मिला है? तो पैमाना कहां से मिला है, लोथल से मिला है पैमाना। ठीक है, तो देखिए पैमानों की खोज ने सिद्ध कर दिया कि हड़प्पावासी क्या थे, माप और तौल से क्या थे, परिचित थे। माप और तौल से हड़प्पावासी क्या थे, परिचित थे, या लोथल की खोज से प्रमाणित होता है। हड़प्पावासी जो थे 16 के गुड़ज से गुड़ज प्रयोग करते थे। ठीक है, 16 के गुड़ज का प्रयोग करते थे, मतलब कोई भी पैमाना लेते थे 16 करके लेते थे, 16 गुना। ठीक है, ऐसे ऐसे करके 16 के यूनिट में पैमाने का प्रयोग करते थे। रेखीय माप का जनक हड़प्पावासी थे, जो हाथ की माप का इकाई थी। ठीक है, हाथ क्या थी, माप की इकाई थी। चनहोदड़ो सिंधु प्रांत में स्थित सिंधु नदी पर स्थित अवस्थित था। तो देखिए यह चनहोदड़ो जो था यह सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल था चनहोदड़ो। चनहोदड़ो क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल था चनहोदड़ो। ठीक है, और चनहोदड़ो किस नदी पर था, सिंधु नदी पर था, सिंधु नदी पर चनहोदड़ो था। चनहोदड़ो से क्या मिला है, लिपस्टिक का साक्ष्य, जो लड़कियां या महिलाएं लिपस्टिक लगाती हैं इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, चनहोदड़ो से मिलते हैं। तो यह भी महत्वपूर्ण है, देखिए चनहोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के, चनहोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के तट पर स्थित है, और चनहोदड़ो से क्या मिला है, लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। चनहोदड़ो से मनके बनाने के कारखाने और खिलौना उद्योग का भी केंद्र कहा जाता है। चनहोदड़ो से क्या है, खिलौने बनाने के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था चनहोदड़ो, और यहाँ पर मनके बनाने के कारखाने भी थे। ठीक है, प्रश्न 15 देखिएगा, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन जो समाज था किन वर्गों में विभक्त था? चार ऑप्शन है आप लोगों के सामने। तो हड़प्पा कालीन जो समाज था इसमें विद्वान लोग भी थे, योद्धा वर्ग थे, व्यापारी थे और श्रमिक लोग भी थे। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। व्याख्या देख लीजिएगा, हड़प्पावासी समाज जो था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग में क्या था, विभक्त था। प्रश्न 16 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है वो क्या है, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तो देखिए सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है वो क्या है, हड़प्पा सभ्यता माना गया है। इस सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग मिलता है। क्या नाम, क्या प्रयोग मिलता है, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। तो यह 3 नाम का प्रयोग मिलता है। प्रश्न 17 देखिएगा, निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? ठीक है, कि निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है, कि मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात हो रही है कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है, उनके विशाल महल और मंदिर नहीं थे, मंदिर के साक्ष्य मिलते नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता में। ये देवियों और देवताओं की पूजा करते थे, तो ये सही है बिल्कुल, क्योंकि देवियों में मातृ देवी की मूर्ति मिली हुई है, मातृ देवी की पूजा करते थे, देवताओं में पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, एक दो देवता और भी थे जिनकी पूजा होती थी। ठीक है, ये युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, तो यह तो सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यह
घोड़ों युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का उपयोग जो लोग करते थे आर्य लोग करते थे, मतलब वैदिक काल की बात है। तो कौन से लक्षण विद्यमान थे, तो केवल दो मतलब विकल्प ए जो है वह आपका सही है। तो देखिए व्याख्या, देवी माता एवं मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का विशिष्ट लक्षण है। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त होता है कि मातृ देवी की मूर्तियों से इस बात का क्या होता है, ज्ञान होता है। प्रश्न 18 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी, बताएं हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी, तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की क्या हुई थी, खोज हुई थी। व्याख्या देख लीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा क्या किया गया था, किया गया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज पृथक का प्रथम स्थल क्या है, हड़प्पा है, जो मॉन्टगोमरी जिला के पंजाब राज्य में क्या है स्थित है। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन हुआ था। देखिए 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप का योगदान था हड़प्पा सभ्यता के क्या है उत्खनन में। उस समय जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निर्देशक थे वो कौन थे, सर जॉन मार्शल थे, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। और हड़प्पा कहाँ है, हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा कहाँ है, पंजाब के मॉन्टगोमरी जिला में हड़प्पा स्थित है, जो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। प्रश्न 19 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है, तो उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी तो बिल्कुल सही नहीं है, तो वैदिक काल की बातें हैं। गाय उनके लिए पवित्र पशु थी, तो बिल्कुल नहीं, गाय नहीं बल्कि सांड उनके लिए पवित्र पशु था। उन्होंने पशुपत का सम्मान करना आरंभ किया, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, तो यह भी सही नहीं है, तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है, विकल्प सी। तो देख लीजिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर तीन मुख वाले देवता का मूर्ति मिला हुआ है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर, मतलब मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक पत्थर पर तीन मुख वाले देवता का मूर्ति मिला है, मतलब ये पशुपति हैं, पशुपतनाथ कहा गया है इनको, और इनके तीन मुख हैं, ठीक है। और इनके चार ओर कौन से हैं, हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा, ये चार जानवर पशुपत के इर्द गिर्द हैं। मतलब ये अगर पशुपत हैं, ये आपके पशुपत देवता हैं, तो इनके कौन से हैं, इधर उनके बाएं ओर कौन है, गैंडा और भैंसा बाएं ओर है, ठीक है, और दाहिने ओर हाथी और चीता, गैंडा और भैंसा बाएं ओर और हाथी और चीता दाएं ओर है। प्रश्न 20 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, चार ऑप्शन है आपके सामने, हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी क्या थी, उचित समतावादी, विकल्प एक जो है आपका सही है। तो देख लीजिए, वैसे ही यह प्रश्न अभी विवाद का विषय बना हुआ है, फिर भी चूंकि हड़प्पा वासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए माना जा सकता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन वणिक वर्गों के हाथ में था, मतलब कि हड़प्पा वासी जो क्या थे, वह व्यापार और वाणिज्य पर ज्यादा ध्यान देते थे। तो इसका मतलब लोगों ने यह निकाला कि उस समय शायद शासन जो था वो वणिक वर्ग के हाथ में था, व्यापारियों के हाथ में था, ठीक है। मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोगों को।